डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम 10 ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेम वही फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं, SN वाले जो हमने पढ़े हैं पहले, SN, AN, यही दो फॉर्मूलाज हमें स्टडी करने हैं। और भी कुछ मैंने नए फॉर्मूलाज ऐड किए थे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी प्रीवियस वीडियो में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, that is Sn is equal to 4n minus n square. Sn की वैल्यू अगर ये है, what is the first term? काफी सारे क्वेश्चन किए गए हैं तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। What is the first term? That is S1. अब जो S1 होता है वही first term होती है, मतलब sum of first term is first term, है ना? तो S1 लिखो या A लिखो तो वो A की बात है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू, तो N की जगह हमने 1 रखा है तो यहां पे 1 रख देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 3। फिर आगे क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज S2 हमें निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे S2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो यहां पे हम 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है? तो 4 टू जा हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना? तो 8 माइनस 4 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, तो S2 आ गया 4, सम ऑफ टू टर्म 4 है। तो सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या है, A+A2, है ना, A1+A2, यही सम ऑफ टू टर्म्स होता है। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म, अगला क्वेश्चन किया गया A2 क्या है, तो इसको हम लिखेंगे S2 की जगह पे A+A2 इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, 3+A2 इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज A2, A2 इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म हमारी A है 3, A है 3 और A2 है 1, ठीक है? उसके बाद सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म। तो थर्ड टेंथ निकालने के लिए हमें D बताना चाहिए, तो D हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 1, माइनस A कितना है 3, तो D हमारा है माइनस 2। तो अब आप A3 जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी मैंने आपको सिखा रखा है प्रीवियस वीडियोज में। तो A3 निकालना है तो A+A कम D लेना आपने, तो आप लेंगे A+2D, तो यह आ जाएगा A की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज D, D इज माइनस 2, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसे ही अगर हम A10 निकालना चाहते हैं तो A10 इज इक्वल टू A+9D, तो यह हो जाएगा A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू आएगी 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आएगी फिर से माइनस 2, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 9 टू 18, तो यह हो जाएगा माइनस 18 माइनस 3 15, तो A10 आ गया माइनस 15। अब An निकालना है तो दैट इज An इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी, तो A की वैल्यू हम फिर से वही रखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 को एज इट इज, और D की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस माइनस 2 का एन से करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, तो ये हो जाएगा हमारा an, ठीक है? इस वे में हमने इस क्वेश्चन को यहां पे स्टेटमेंट तो छोटी सी है लेकिन ध्यान से करना, हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, दैट इज ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हो और डिविजिबल बाय 6 हो। तो पहले तो हम इसकी एपी ध्यान देंगे कि क्या बनेगी, फिर हम उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने, दैट इज ये तो n हो गया हमारा, n है 40, 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा लेटर, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव नंबर 0 के बाद 1 के बाद कौन सा है जो 6 की टेबल में आता है, वो तो 6 ही है, है ना? उससे नेक्स्ट कौन आएगा, 12 आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा, 18 आएगा। तो ये हमारी एपी सीरीज इस तरह से बन रही है। तो यहां से हमें ए भी पता चल गया, व्हाट इज ए, ए 6, व्हाट इज डी, डी इज आल्सो 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, एन इज 40, तो हमें फाइंड करना है इनका सम। तो एस 40, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एस
एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे हम निकालेंगे एस 40 इज इक्वल टू 40 बाय टू इंटू टू ए, व्हाट इज ए 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एन माइनस वन, व्हाट इज एन माइनस वन, एन इज 40, तो 40 माइनस वन 39 इंटू डी, व्हाट इज डी 6। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 6 जा 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, एम आई राइट? या फिर ऐसे कर लो, देखो 46 जा कितना होता है 240, 240 में से 6 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 240 में से 6 माइनस करेंगे तो 234। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 9 जा 54 का 4, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, करेक्ट है भाई। तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करते हैं 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 और 2, तो 246 ये हो गया हमारा। अब 0 को एज इट इज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, तो ये हमारा एस 40 हमें मिल चुका है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो चाहे आपको डिविजिबल निकालना हो या मल्टीपल निकालना हो, रूल सेम रहेगा। मल्टीपल्स ऑफ 8 लेने हैं और 15 मल्टीपल लेने हैं, तो पहला मल्टीपल होगा हमारा 8, 8 के बाद 8 टू जो 16, 24, इस तरह से हमारे चलते रहेंगे। तो यहां पे आपको a लेना है 8, d भी 8 होगा क्योंकि 16 माइनस 8 8, और n लेना होता है जितने हमें सम निकालना है जितने का, तो 15 का हमें सम निकालना है तो n की वैल्यू हमें लेनी है 15, तो ये हो जाएगा s 15। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज 15 माइनस वन 14 इंटू डी, डी इज 8, तो ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 15 बाई 2 इंटू 2 एट जा 16 प्लस 14 एट जा 112। तो यहां से जाएगा 15 बाई 2 इंटू, इसको ऐड कर देते हैं 6 टू 8 112 128, 2 पे कैंसिल करेंगे 6 4 और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 6 जा 90 प्लस 6 96, तो 960 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से ये 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब देखो 0 और 50 के बीच के ओड नंबर्स का हमें सम निकालना है, तो 0 और 50 के बीच में पहला ओड नंबर कौन सा आता है, पहला ओड नंबर आता है 1, अगला आता है 3, ठीक है, इस तरह से 5, और लास्ट में 50 ओड नंबर नहीं है, 50 से प्रीवियस आएगा 49, तो ये वाली हमारी सीरीज बनती है। इसमें हमें लास्ट टर्म पता है तो और थोड़ा हमारा काम इजी हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता है इसमें, तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू, d की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, d की वैल्यू है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, क्लियर है? तो इसमें डी स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? तो n वैसे भी डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, टोटल कितने नंबर थे हमारे पास 50, तो 50 का हाफ रह गया ना, क्योंकि ओड नंबर लिया है हमने, तो हाफ रह गया 25 है। वैसे भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें n ना पता हो, ठीक है, n ना पता हो फिर भी हमें sn निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, sn इज इक्वल टू ए एन माइनस ए प्लस डी, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में लेना है और इसमें लेना है आपने ए प्लस ए एन, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डी कर दो, तो इससे डायरेक्ट आपका आ जाएगा, एन की वैल्यू निकालने की जरूरत, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर एस एन वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो डायरेक्ट भी आप इससे कर सकते हो। तो देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं, ए एन क्या है लास्ट टर्म 49, माइनस ए क्या है 1, प्लस डी क्या है 2, फर्स्ट ब्रैकेट में सिंपल है ना, ऐसे ही ए क्या है फर्स्ट टर्म 1, ए एन क्या है 49, तो डिवाइड बाय, मतलब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, यहां पे फर्स्ट में से लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करो और डी प्लस कर दो, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डी, डी क्या है 2, तो यहां पे देखो 49 माइनस 1 48 प्लस 2 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पे कैंसिल करो 25, फिर से 2 पे कैंसिल करो 25, तो ये आ गया 625, ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर भी ले सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है।
अगर हमें n की वैल्यू नहीं पता है फिर भी हमें Sn निकालना है तो इस तरह से हम डायरेक्टली फाइंड आउट। इसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कंस्ट्रक्शन की जॉब को डिले करता है तो उसके लिए कुछ फाइन उसको पे करना पड़ता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है एज फॉलो। 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे को वो कितना पे करेगा, 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के लिए कितना है, 200 रुपीज। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे है फॉर सेकेंड डे 250, 300 फॉर थर्ड डे एंड एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग ईच सक्सीडिंग डे बींग 50 रुपीज मोर देन प्रीसीडिंग डे। मतलब हर दिन जो है वो 50 रुपीज इंक्रीज होती जाएगी, दैट इज डी की वैल्यू है। हाउ मच मनी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेज द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसका वर्क जो है वो 30 डेज लेट होता है तो कितनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स यहां से हमें एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट डे जो है ये हमारी ए की वैल्यू है, सेकेंड डे के लिए, सेकेंड डे के लिए कितनी है, सेकेंड डे के लिए पेनल्टी है ₹250, दैट इज ए टू। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 250 माइनस 200, दैट इज 50। और एन की वैल्यू हमारी है 30, क्योंकि 30 डेज के लिए हमें निकालना है। तो एस 30 हम फाइंड आउट करेंगे, एस 30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बाई टू, दैट इज 30/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए, वट इज ए 200 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू कितनी है 50। यहाँ तो डी आ जाएगा 215 पे, यहाँ तो ये आ जाएगा हमारा 15 इंटू 2 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1450। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको कर देना है प्लस, तो ये हो जाएगा 1850। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27750 हमारा जो है फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 15 तक ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसके लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट वीडियो का अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।